तो दोस्तों प्रभास ने आखिरकार फैंस की डिमांड को किया पूरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब आदि पुरुष फिल्म जो आ रही थी वो पोस्टपोन्ड होते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म के ट्रेलर को लेकर और फिल्म के वीएफएक्स को लेकर, फिल्म के टीजर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ताने मिल रहे थे प्रभास को और फिल्म के मेकर्स को। ओम रावत ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा फिल्म के अंदर, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई जा रही थी फैंस की तरफ से। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि जो फिल्म के मेकर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जब दर्शकों को ये फिल्म, ये वीएफएक्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो इसमें कुछ बड़े बड़े चेंजेस करके वापस से इस फिल्म की डेट जो है अनाउंस की जाए। दरअसल आपको दोस्तों बता दें कि काफ़ी सारे न्यूज़ मीडिया पोर्टल्स जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि अब आदि पुरुष फिल्म रिलीज़ नहीं होगी। अब आदि पुरुष 2 से 3 महीने बाद जो है अब उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आदि पुरुष जो फिल्म है उसमें वीएफएक्स में चेंजेस किए जाएंगे। हनुमान जी जो कि बिना मूंछों के दिखाए गए थे और उनके सिर्फ और सिर्फ खिलजी जैसा लुक था, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं इस फिल्म के अंदर चेंजेस हो सकती हैं। अभी तक फिल्म के डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर के तरफ से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो इस फिल्म को अब फाइनली जो है 1-2 दिन के अंदर अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि फिल्म अब जनवरी के महीने में रिलीज़ नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों प्रोड्यूसर्स का मानना है कि अगर दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई तो इस फिल्म का जो बजट 400 से 500 करोड़ का है वो पूरा वेस्ट चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों ऐसे में फिल्म को चेंज करके रिलीज़ किया जाएगा। अब आपका क्या मानना है दोस्तों इस बारे में और आपका क्या है कहना, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ। सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।